हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेरू में क्या हुआ है दोस्तों कि गुइलियन बैरी सिंड्रोम, जिसे जीबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ये वहां पे होने लगा है और बहुत ज्यादा होने लगा है। दोस्तों हुआ क्या कि जो वहां के जो इंस्टीट्यूट थे, जब जो साइंटिस्ट थे, जब वहां पे लगातार रिसर्च कर रहे थे, तो पहले जब ये बीमारियां निकल के आने लगी तो 8 जुलाई की बात है, वहां पे ये देखा गया कि वहां पे जो लोग हैं वहां पे काफी ज्यादा ग्रसित होने लगे, जबकि इसकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए थी और ये इतनी कम थी, लगभग 1 लाख लोगों में ये 1 लोगों को होता है अमेरिका में। लेकिन पेरू में क्या हुआ, ये देखा जाने लगा कि सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे लगभग आपातकाल लगाना पड़ा और वहाँ पे लगभग 90 दिन के लिए वहाँ पे ये चीज़ें चलाई गई। वहाँ पे इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाए जाने लगे। क्यों बनाए जाने लगे? क्योंकि अभी तक आपने कोरोना का आक्रमण देखा था तो कोरोना में समस्या ये थी कि लोग बीमार पड़ते थे लेकिन लोग ठीक भी हो जाते थे और दर्द इतना नहीं होता था। लेकिन ये जो बीमारी है ये काफ़ी दर्द भरी है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है और इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिसको देखते हुए वहाँ पे आपातकाल लगाया गया, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल बनवाए गए ताकि इसको रोका जा सके। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं आखिर ये बीमारी है क्या और ये कैसे काम करती है और क्यों ये इतना खतरनाक है। क्यों अगर ये हमारे यहाँ पे लोगों को हो जाए तो लोग तड़प के मरेंगे, दर्द से मरेंगे और वैसा दर्द उन्हें कभी नहीं मिला होगा। और इसीलिए जो पेरू जैसे देश है वो लगातार इस पे एक्शन ले रहे हैं और वो डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग होता है और हम लाइफ में आगे कैसे जाए हमें समझ नहीं आता है। तो इसीलिए दोस्तों हमने फ्लो का कोर्स लाया है जिसमें आप कॉन्सियसनेस हैकेबल, जैसे माइंड के बारे में आप जान पाएंगे, माइंड के बारे में मेडिटेशन कर पाएंगे, माइंड को इम्प्रूव कर पाएंगे। सिल्वा मेथड, जो लोग बाहर सीखने के लिए जाते हैं जहाँ पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो आपको यहाँ पे मात्र 299 में मिलेगी जब आप फ्लो 25 कोड यूज करेंगे। तो दोस्तों इस कोर्स को जरूर अवेल करें और अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। यह कोर्स उतना ही सस्ता है जितने पैसे में आप एक मूवी देख के आते हैं और ये लगभग 10 से 12 घंटे का ये पूरा कोर्स है। ये कोर्स रिकॉर्डेड रहेगा और आपकी जो क्वारी रहेगी हम आपको ग्रुप में बताते रहेंगे। तो दोस्तों अगर अब हम बात करें इस बीमारी की, तो जैसा कि मैंने बताया ये 8 जुलाई को क्या था, पेरू में फैला, ठीक है। 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में क्या था, ये इतना बढ़ गया कि लगभग 191 लोग क्या थे दोस्तों वहां पे, ठीक है, लगभग 191 लोग वहां पे क्या थे, संक्रमित हो गए और उसमें से लगभग 4 लोगों की वहां पे डेथ हो गई, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था 90 दिन के लिए क्या लगा है वहां पे, आपातकाल लगा है। तो आप खुद सोच सकते हैं अगर 90 दिन के लिए आपातकाल लगा है इसका मतलब खतरा कितना ज्यादा होगा। हो सकता है कि वहां पे ये जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, डेथ की संख्या बहुत ज्यादा हो, आपको पता ही कैसे छुपाया जाता है, वरना आपातकाल लगता ही क्यों, ठीक है। और इसको किसने बताया है, पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, इस पर रिसर्च किया, उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया। तो जो दोस्तों जो जीबी सिंड्रोम है, आपको ये भी बता दूं कि ये एक तो खतरनाक सिंड्रोम है और एक तरीके से मैं आपको ये भी कहूँ इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज है, कोई दवा है, कोई वैक्सीन है, इसको आप दे दें। इसमें क्या होता है, इसमें बस यही है, जैसे जब कोरोना आया तो लोगों में क्या था कि लोगों का मतलब यही सब किया जाता था, ठीक है, जैसे कि मतलब दवा दिया जाता था, यही सब मतलब कम्बी फलानी यही सब खा के लोग रहते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इसका कोई अपने आप में कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन क्यों नहीं है इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बीमारी क्या है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको बोलती है कि ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, बीमारियों से रक्षा करती है, ठीक है, वो चीज़ें करती है। अब मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, नसें हैं, ठीक है, तो जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो एंटीबॉडी होती है इस बीमारी में क्या होता है कि वो इतने आक्रामक हो जाते हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो जो हमारे नसें होती हैं, वेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, इन पे हमला करने लगते हैं, ठीक है, इन पे ही हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो नसें हैं उनको डैमेज कर देते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम है उनको क्या करते हैं ये लोग, ये डैमेज कर देते हैं। यही इनकी सबसे खराब चीज़ है, ठीक है, खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है। दूसरा कि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, पहले तो कुछ केसेस आए, जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने जांचना शुरू किया तो उन्होंने पहली इसमें लक्षण देखा, उन्होंने देखा कि इसमें जो पैर होता है वो क्या होता है, सुन्न हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, सुन्न हो जाता है, पैरों में झुनझुनी आने लगता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, चबाने और खाने में दिक्कत होने लगती है। मतलब आप सिंपल सी बात समझें कि जो मसल्स पार्ट होते हैं
उसमें क्या होती है कि कमजोरी आ जाती है, जो मसल पार्ट होते हैं उसमें शक्ति खत्म हो जाती है, शक्ति रही नहीं जाती है। जैसे जीभ है, जीभ मसल्स है, अब उसमें क्या है, शक्ति ही नहीं है, मतलब कमजोरी इतनी डीप पे चली जाती है, इतना मतलब गहरा हो जाता है कमजोरी कि उन पे उनके पास ताकत रही नहीं जाती है कुछ खा सके, मसल्स में दम नहीं रह जाता है, मसल्स में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ तक कि जो फिंगर होते हैं आप देखेंगे फिंगर में ऐसा लगता है कोई पिन सुई को चुभो रहा है। तो आप समझिए कि जो पीड़ित है इतना ज़्यादा दर्द सह रहा होता है उस वक्त कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए तो और वो डर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि कोरोना था, पहली बार कोरोना आया तो इतना वो नहीं था, लोगों को सर्दी जुकाम होता था, एक दो लोग गए ऊपर, कुछ लोग गए, लेकिन ऐसा नहीं था बहुत दर्द था, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। और अगर 191 में से लोग चार लोग पांच लोग मर रहे हैं तो रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट ने सर्वे भी किया था तो 1,00,000 लोगों में, ठीक है, सिर्फ 1 लोगों को ये होता है बीमारी, लेकिन इंडिया में ये ज़्यादा देखा गया, ठीक है, खास करके तब देखा गया। मैं आपको बता दूँ कि जब ये क्या हुआ कि जब जैसे कोरोना वैक्सीन लगा, ठीक है, कोरोना वैक्सीन लगा और भी जब कई और भी कई लोग थे जिनको ये हुआ, तब ये पाया गया कि उन्होंने उनको क्या था, बहुत सारे टीके लग चुके थे, जब ये टीका लगा कुछ बीमारियां हुई, टीका लगने के बाद उनको ये बीमारियां ज़्यादा होने लगी, जो जिनको वैक्सीन भी लगा उनको भी ये हो रही है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि वो इंसान ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है जीबी सिंड्रोम से, जिसको क्या है कि वैक्सीन या टीका लगा है, जो एक बार संक्रमित हो चुका है उनको ये ज़्यादा हो रहा है, उनके ऊपर ये ज़्यादा अटैक कर रहा है, ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि कोरोना में और इसमें कोई लिंक है। ये देखिए अवस्था वैसी है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में क्या था, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा था, ठीक है, कोरोना वैक्सीन के बाद क्या था, जब लगा था उसके बाद में देखा बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे थे, तो लोगों का ये मानना था कि यार कहीं ना कहीं इसमें लिंक है। तो अभी इसमें भी जो वैज्ञानिक है इसमें देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोरोना है उसमें और इसके अंदर लिंक है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया, जैसे जो जीका वायरस था, ठीक है, तो उनको जो टीका लगा था उनके साथ भी यही हो रहा था कि जब उनको टीका लगा है, वैक्सीन लगा है, उनके साथ भी ये बहुत हो रहा है। तो मतलब एक सिंपल सा चीज़ देखा जा रहा है इस समय सिचुएशन जो है पेरू में, उसके आसपास लोगों में सिचुएशन ये है कि जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई उनको वैक्सीनेशन हुआ है उनके ऊपर ज़्यादा ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, ये बड़ा असमंजस वाली बात है, आखिर उनके ऊपर ये क्यों इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये है, अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या सच में कोई कनेक्शन है इनका, कोई सच में अगर ये है तो बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि खतरे की बात इसलिए है क्योंकि इंडिया में सबने हर कोई वैक्सीनेट है और कुछ ऐसे लक्षण भी दिखे हैं, कुछ ऐसा दिखा है वैज्ञानिकों को जब वो ये जो नेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्वे कर रहे थे, इंडिया में भी उन्होंने देखा कि जिन लोगों को क्या था कोरोना वैक्सीन लगे थे उनके अंदर इसके लक्षण बहुत देखे गए, मतलब उनके अंदर दर्द देखा गया, मसल्स में देखा गया, कमजोरी देखी गई, ठीक है, ब्लड प्रेशर देखा गया, ठीक है, और ये सब खाने चबाने में दिक्कत देखी गई, ये सारी जो लक्षण थे इंडिया में बहुत से मरीजों के अंदर ये देखे गए हैं। तो ये खतरा है, अगर ये होता है, अगर ये लिंक होता है तब तो ये बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए क्योंकि हर कोई वैक्सीनेट है, इसका मतलब ये सबके ऊपर ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, और ये बीमारी ऐसी है कि मरे ना मरे लेकिन दर्द से तो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा है, वीकनेस इतनी ज़्यादा है। अब बात करें इसके दोस्तों टेस्ट की, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो जो सबसे पहला टेस्ट है इसका किया जाता है मसल वीकनेस से, कि मतलब अगर आपके आपको जाएंगे वहाँ पर तो आपको मसल की वीकनेस देखेंगे कि मसल में कितनी ताकत है कितनी नहीं है, उसके द्वारा एक उनको आंकड़ा मिलता है कि हाँ ये हो सकता है बीमारी, जीबी सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा क्या है, स्पाइनल फ्लूइड जो होता है दोस्तों, ये क्या करेंगे उसको निकाल लेंगे और उसके अंदर उस फ्लूइड के अंदर चेक करेंगे कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है, कि ठीक है कि प्रोटीन की कितनी मात्रा इसके अंदर है, ये क्या करते हैं वहां पे दोस्तों, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका है चेक करने का। अब दोस्तों बात करें इसके इलाज कैसे किया जाता है, तो जैसा कि मैंने फिर से बोला कोई प्रॉपर इसकी दवा नहीं है, कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, इसके कुछ लंबे प्रोसेस हैं जिसमें बहुत खर्चा आता है, बहुत पैसा खर्च होता है, अब बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो इसमें एक जो फिल्ट्रेशन क्या है ट्रीटमेंट है जिसका नाम है प्लाज्माफेरेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों ये होता है जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है आपको पता है, वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, वाइट होते हैं, रेड होते हैं, तो जो वाइट होता है क्या होता है, यही आपका इम्यून है, यही क्या करता है आपको बचाता है लोगों, मतलब बीमारी से बचाता है, तो यही तो अटैक कर रहा है जो भाई एंटीबॉडी वही अटैक कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड को क्या करेंगे निकालेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे अलग कर देंगे, ठीक है, ब्लड को क्या करेंगे अलग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और अलग करने के बाद जैसे व्हाइट ब्लड को इन्होंने क्या किया अलग कर दिया, और रेड ब्लड को क्या किया आपके बॉडी से इन्होंने अलग किया, और अलग करने के बाद ये फिर से क्या करते हैं आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड को चढ़ाते हैं।
तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है, जो इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है आपके नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, जो नर्व पे अटैक कर रहा है उससे ही आप बच जाते हैं। तो ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है दोस्तों? दूसरा प्रोसेस इसमें यह है कि आप देखेंगे यहां पे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है, ये क्या करते हैं उसको निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, ये एंटीबॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या हो, जो एंटीबॉडी हो आपके नर्व पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो सीधा इसमें यही काम होता है, सीधा जो एंटीबॉडी है या जो हम कहें वाइट ब्लड सेल है उस पर सीधा ये काम करते हैं ताकि ये आपको अटैक ना कर पाए और सीधा इसे बचाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है। साफ साफ हम ये कहें तो कोई इसका इलाज नहीं है, कोई भी इसका इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। और अगर ये बढ़ता रहा, ऐसा होता रहा, जैसे दो दिन में के अंदर ये बढ़ा है, तो समस्या ये है कि अगर ये होता है तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, प्रोसेस बहुत लंबा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। उम्मीद करते हैं कि ये ना बढ़े, क्योंकि अगर ये वहाँ बढ़ रहा है इसका मतलब ये हर जगह बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई वैक्सीनेट है, हर कोई टीका लगा रहा है, और ये एक खतरा होगा कि जो इंसान है उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मतलब आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। सिल्वा मेथड, मेडिटेशन, थेरेपी, ट्रिगर्स, कॉन्सियसनेस हैकेबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए लोग तरसते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो आप हमेशा सवाल पूछते हैं कि क्या कोई सलूशन है, तो सलूशन यहाँ है। आपको रियल सोल्यूशन मिलेगा जब आप क्लास खत्म करके जाएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ मेरे पास एक रियल सोल्यूशन है, सच में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।